हाँ जी बाबू, आप सारे जय माता दी। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जय माँ शक्ति चैनल में आप सबको स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे। कल कुछ हमारे बच्चों के मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि हम साधना करना चाहते हैं। तो साधना किस चीज़ का आप करना चाहते हैं बच्चों? सबसे पहले तो प्रश्न ये है हमारी कि साधना जो है किस चीज़ का करना चाहते हो आप? माँ काली पे करना चाहते हो, माँ वैष्णो करना चाहते हो, जोड़े वाले मदानंद के करना चाहते हो, चराहे वाले के करना चाहते हो, योगी जोगनी करना चाहते हो, डाकनी शग्नि करना चाहते हो, श्यामपुर माता करना चाहते हो, मदानंद के करना चाहते हो, कि आपको श्यामपुर मोहिनी के करना चाहते हो? आपको पता, हमें पता तो लग गया कि साधना किस चीज़ का आप करना चाहते हैं। अगर आपके साधना पता लगना चाहिए ना हमें कि आप साधना किस चीज़ का करना चाहते हो। साधना करें सबसे पहले आपके लिए, साधना करने से पहले आपके गुरु जरूरी है। गुरु के आपके पास कवच जरूरी है, कवच मंत्र जरूरी है, आसन मंत्र जरूरी है, आपके पास होना चाहिए। आपके पास गुरु होना चाहिए क्योंकि आपके पास कोई अनुभव नहीं हुए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास गुरु है। और गुरु का जो शक्ति होती है वो कवच मंत्र होते हैं, रक्षा मंत्र होते हैं ना। सबसे पहले आपके पास गुरु होना चाहिए। साधना आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर मंत्र भी हम दे देंगे आपको साधना करने के लिए। इस बारे में आपसे हमसे मंत्र आप ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे। तो पर सवाल यही है कि आप साधना किस चीज़ की करना चाहते हो, हमें बताइएगा कि आप साधना करने किस चीज़ की चाहते हो। हमारे दो चैनल है, जय माँ काली और जय माँ शक्ति। दो ही चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। आप दो ही चैनल से कर, जहाँ जिस चैनल पे आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट जो है स्वीकार करेंगे। और जिस चीज़ का आप साधना करना चाहते हो उस चीज़ का ही आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपके पास गुरु है तो आप गुरु से ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपने पहले गुरु वाले बने और गुरु से कवच मंत्र ले, रक्षा मंत्र ले, फिर हम आपको मंत्र जरूर बता देंगे। तो एक्चुअली होता है कि हम जो साधना करना बैठते हैं तो हमारे पास मंत्र होते हैं, वो शक्ति होती है, जागृत शक्ति होती है। अगर हम जब भी साधना पर बैठते हैं तो जो चीज़ है वो शक्ति होती है, प्रचंड शक्तियाँ होती है वो हमारे पास आती है। हम कभी घबरा जाते हैं और घबराने से क्या होता है, कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाते हैं, दिल का दौरा पड़ जाते हैं, क्योंकि शक्ति उजागर होती है ना, जागृत होती है शक्ति। और शक्ति तो आप अगर वाहन करोगे तो आपके पास तो आना तय है, कोई रुक नहीं सकता, आना तो आना ही है। क्योंकि आपके पास जब गुरु मंत्र नहीं है, गुरु कवच नहीं है, तो आप उस शक्ति को कैसे संभालोगे? उसको संभालने के लिए भी आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, पावर होनी चाहिए ना। इस करके आप साधना करो, शौक से करो, पर आपके पास गुरु का मंत्र जरूरी चाहिए, कवच मंत्र चाहिए, रक्षा मंत्र चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और फिर साधना पर बैठे। साधना करने के लिए आप देखें शुक्ल पश्चिम अच्छी होती है, गुरु पुण्या के गुरु महाराज का अपने आशीर्वाद ले, नव दुर्गी आते हैं, गुप्त नवरात्रि आते हैं, आप इसमें साधना कर सकते हो। पुण्यामास्या आते हैं, इसमें साधना आप कर सकते हो, साधना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर चीज़ के ध्यान रखें आप, क्योंकि गुरु का मंत्र आपके पास जरूरी चाहिए। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप मार खा सकते हो, कोई बड़ी शुभ बड़ी गल नहीं है, शख्स खा सकते हो। माता रानी सब पे कृपा होना है, हम तो यही कहेंगे कि आप सब सफल हो और साधना करें, अच्छे से करें, गुरु का आशीर्वाद से ही करें। अगर किसी पास गुरु नहीं हो तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाए, फिर साधना करें। बात मेरे ध्यान में रखे आपको, मतलब अगर गुरु नहीं हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना गुरु धारण करें, और फिर ही अगर आपके पास वो भी नहीं कर सकते तो पहले अपने माता पिता का गुरु धारण करें, गुरु मनाएं और फिर साधना करें, क्योंकि माता पिता से ऊपर तो कोई गुरु नहीं है दुनिया में।
अपने माता पिता से पहले गुरु उनको बनाए और फिर आप साधना जो है आपका साधना सक्सेसफुल होगा, इस बात के हम गारंटी देते हैं, क्योंकि माता पिता से ऊपर कोई गुरु नहीं है। रब की पूजा जो कहते हैं ना, एक बार फेल हो जाते हैं। माँ की सेवा, रब की सेवा एक ही होते हैं। पहले माँ बाप का सेवा करें, उनको गुरु बनाए, फिर साधना करें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कामयाब होने से। ये बात मेरे ध्यान में रखें। अगर आप शमशान की साधना करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास है, पर वहाँ पर एक प्रेत राज होते हैं ना, शमशान का जो राजा होते हैं, आपको पहले उसको खुश करना पड़ेगा, फिर ही आप शमशान के अंदर जो है एंट्री कर सकते हो। और शमशान का जो टाइमिंग है वो रात का 12 से लेकर 2 बजे तक होती है, साधना का टाइमिंग शमशान का 12 से 2 बजे के बीच साधना जो है शमशान का पूरा होता है। अगर आप किस चीज़ का करना चाहते हैं वो हम आप कमेंट में लिखे, कमेंट में बताएं, हम उस चीज़ का आपका जो बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहले पहुँच जाए। तो सारे जय माता दी, जय भैरव।